जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी। और आइए कल के प्रश्नों के रिवीजन के साथ में आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न था कि जून 2021 में जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में कितने राज्यों ने A++ रेटिंग को प्राप्त किया। तो यहां पर कुल मिलाकर के 5 राज्यों ने A++ रेटिंग को प्राप्त किया है। पंजाब इसमें रहा है शीर्ष पर, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जून 2021 में हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कारपोरेशन लिमिटेड ने HSBC इंडिया के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया। तो यहां पर नियुक्ति हुई है हितेंद्र दवे की, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जून 2021 में प्रकाशित पुस्तक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, इसके लेखक कौन है। तो विनोद कापरी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न था कि जून 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। तो यहां पर चुना गया है अब्दुल्ला साहिद को, जो कि आपके मालदीव के विदेश मंत्री हैं, तो बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किसे डबलिन साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये जो पुरस्कार है सम्मानित किया गया है वलेरिया लुइसेली को, जो कि आपके मैक्सिको की राइटर हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जून 2021 में भारत कितने वर्षों के लिए यूनाइटेड नेशन आर्थिक और सामाजिक परिषद के रूप लिए चुना गया है। तो ये चुना गया है यहाँ पर 3 वर्षों के लिए, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि किस स्पेस एजेंसी के द्वारा स्कुइड्स और टार्डीग्रेड्स को ड्रैगन कैप्सूल के द्वारा लॉन्च किया गया। तो इसे लॉन्च किया है स्पेसएक्स ने, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अंतरराष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल खिलाड़ियों में किसके नाम पर सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड है। तो ये है ईरान के अलीदाए के नाम पर, यानी कि ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 तक के लिए इनमें से कौन सी कंपनी ICC की आधिकारिक पार्टनर बनी है। तो ये आपकी है भारत पे। अगला प्रश्न था कि जून 2021 में फेसबुक ने भारत के लिए किसे मुख्य शिकायत अधिकारी नियुक्त किया। तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है स्फूर्ति प्रिया की, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि भारत का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर है किस शहर में स्थापित किया जाएगा। तो इसकी स्थापना होगी अहमदाबाद में, डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि किस राज्य की सरकार के द्वारा COVID-19 टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ को लॉन्च किया गया। तो ये लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने टीका लगवाने से मना कर दिया था, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, 3:30 बजे डेली हम लोग ग्रुप डी के लिए एक स्पेशल क्लास करते हैं, तो इस क्लास की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, उसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा लूसेंट GK की जो सीरीज है वह भी अनअकैडमी के ऊपर शुरू हो चुकी है, हर रात 10 बजे उसकी भी लाइव क्लास होती है, उसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को यहाँ पर जा सकते हैं। इसके अलावा एक बार मैं आपको फिर बता दूँ, पूरे जून महीने के अंदर अनअकैडमी के ऊपर यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का ऑफर चल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम के लिए सब्सक्रिप्शन को परचेज करना चाहते हैं तो यूज़ करिएगा कोड KV10। अब ये कोड आपके लिए यूनिक होगा। क्यों यूनिक होगा? क्योंकि सारे कोड पर जहाँ आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है, इस कोड के ऊपर आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। कैसे डिस्काउंट मिलेगा इसके ऊपर मैं एक वीडियो दे चुका हूँ टेलीग्राम पर, तो वहाँ पर आप उस वीडियो को देख करके इसे अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के ऊपर आपके SSC एग्ज़ाम के लिए पूरे महीने फ्री में मॉक टेस्ट यहाँ पर होने वाले हैं। जैसे कि डेली करंट अफेयर की बात करते हैं, तो ये जो टेस्ट है 1 जून से लेकर के 29 जून तक डेली 8 बजे होगा। इसके अलावा वरुण अवस्थी सर के द्वारा लूसेंट GK का टेस्ट होगा। अनअकैडमी अभ्यास टेस्ट जो है ये हमारे अभिनय मैथ सर के द्वारा होगा, और इसी प्रकार से अरिथमेटिक और एडवांस मैथ के ऊपर भी जो आपकी टेस्ट है वह अभिनय सर के द्वारा लिया जाएगा। SSC CGL का जो आपका फुल लेंथ का टेस्ट होता है ये भी इस पूरे महीने आयोजित होगा, तो इन सभी टेस्ट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसके लिए जो आपको लिंक है वह नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसके ऊपर क्लिक करके आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। सारे टेस्ट आपके लिए बिल्कुल फ्री है। चलिए अब हम लोग आज के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि किस कंपनी के द्वारा निर्मित 3 ALH Mark III हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना में शामिल किए गए। तो ये जो तीनों हेलीकॉप्टर हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो बस आपको याद रखना है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा विशाखापट्टनम में जो आपकी INS दीघा है वहाँ पर इसका निर्माण किया गया, और ये जो आपके 3 हेलीकॉप्टर हैं किसको मिल चुके हैं, हमारी नौसेना को मिल चुके हैं। अब इसका मुख्य रूप से काम क्या होगा? तो इसका मुख्य रूप से काम होगा कि जो हमारे तट के आसपास का रीजन है वहाँ पर निगरानी वगैरह की जाए, और वहाँ पे किसी भी प्रकार की गतिविधि के ऊपर मॉनिटरिंग यहाँ पर की जाए। और बात करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की,
तो बेंगलुरु में आपको इसका मुख्यालय मिलेगा और आर माधवन नायर इस समय इसके प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है अरुण कुमार मिश्रा जी की बजाय अनूप चंद्र पांडे की। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, करेक्ट। अच्छा, अरुण कुमार मिश्रा कौन बने हैं? तो ये हमारे मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। टीवी सोमनाथन के बारे में मैंने आपको बताया था, वित्त सचिव बने हैं। और पी चंद्रन नायर हमारे असम राइफल के नए महानिदेशक बने हैं। अब थोड़ा सा आइए चुनाव आयोग के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, भारतीय चुनाव आयोग की बात करते हैं तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी और इसीलिए 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाते हैं। तो पहले आप ये याद रखिएगा, हमारे यहाँ पर जो चुनाव आयोग होता है इसमें आपको टोटल 3 मेंबर मिलेंगे। एक हमारा होता है मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 इसकी सहायता के लिए होते हैं अन्य आयुक्त, यानी कि अन्य चुनाव आयुक्त। तो अभी जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे जिनका नाम था सुनील अरोड़ा, वे आपके अप्रैल में हो गए थे सेवानिवृत्त। तो उसके बाद में जो हमारे यहाँ पर चुनाव आयुक्त थे यानी कि सुशील चंद्र, वो आपके बन गए थे मुख्य चुनाव आयुक्त। तो इसीलिए इनका पद हो गया था रिक्त। और उसी पर अब उत्तर प्रदेश कैडर के एक हमारे IAS अधिकारी थे अनूप कुमार पांडे, तो ये फरवरी 2024 के लिए नियुक्त हो गए हैं। ध्यान रखिएगा, आपके जो इस समय तीनों अधिकारी हैं चुनाव आयोग में, ये सारे उत्तर प्रदेश राज्य से ही बिलोंग करते हैं। चुनाव आयोग एक हमारी संवैधानिक संस्था है जिसके बारे में अनुच्छेद 324 में प्रावधान दिया गया है और इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुशील चंद्रा। पहले कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। तो ये सारी चीज़ें आपको चुनाव आयोग के बारे में याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में जारी ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स में कौन सा शहर यहाँ पर रहा है शीर्ष पर? तो इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है न्यूजीलैंड का ऑकलैंड शहर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, करेक्ट। तो यूके की एक संस्था है जिसका नाम है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, उसके द्वारा रिपोर्ट को जारी किया गया। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि कौन सा शहर दुनिया का सबसे अच्छा है रहने के लिए। तो न्यूजीलैंड का जो ऑकलैंड है वो पहले पे रहा, जापान का ओसाका रहा दूसरे पे और ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड इसमें रहा है तीसरे स्थान पर। और याद रखिएगा कि टोटल 5 इंडिकेटर थे, जैसे कि स्टेबिलिटी हो गई, हेल्थ केयर, एजुकेशन, कल्चर एंड एनवायरनमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन सभी के आधार पर रिपोर्ट को जारी किया गया। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के 18वें संस्करण में किस भारतीय संस्थान ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो आपको याद पहले ये रखना है कि 18th इसका एडिशन था और ये आपका 2022 के लिए लॉन्च किया गया है। तो इसमें हमारे देश का जो सर्वश्रेष्ठ संस्थान है वह हमेशा की तरह रहा है IIT बॉम्बे, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर यहां पर बी हो जाएगा, करेक्ट। अब अगर आपको याद हो तो सेम रिपोर्ट आपकी जारी हुई थी मार्च में, उस समय हमारा IIT बॉम्बे था 172वें स्थान पे, अब ये बेचारा 5 स्थान नीचे चला गया है। MIT यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि USA का है, वो पहले की तरह पहले स्थान पर ही है। ऑक्सफोर्ड आपका दूसरे स्थान पे है, स्टैनफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ये रहे तीसरे स्थान पर। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में US के खाद और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने किस बीमारी के इलाज के लिए बनाई गई एडुकानुमाब दवा को मंजूरी दिया है? तो ये जो आपकी दवा है अल्जाइमर नाम के डिसीज के लिए बनाई गई थी, तो इसको अब मंजूरी दे दी गई है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, करेक्ट। अब आपको याद ये रखना है कि अल्जाइमर नाम की डिसीज होती क्या है। देखिए, अल्जाइमर नाम की जो डिसीज होती है इसमें जो व्यक्ति की स्मृति क्षमता होती है या फिर जो उसकी सोचने समझने की क्षमता होती है वो धीरे धीरे गायब होने लगती है जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, और एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि जब व्यक्ति बिल्कुल कन्फ्यूज रहने लगता है। इसी के प्रति जागरूकता के लिए विश्व अल्जाइमर दिवस हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है। तो अभी अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है बायोजेन, तो इसके द्वारा दवा बनाई गई जिसका नाम है एडुकानुमाब, और इस दवा को मंजूरी यहाँ पर FDA ने दे दिया है। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में विश्व बैंक के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022 के लिए भारत की जो विकास दर है कितने प्रतिशत अनुमानित की गई? तो ऐसे प्रश्न बिल्कुल कूड़े के तरीके के होते हैं, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि बहुत ही कम ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि हर बार आपका यहाँ पर रिवाइज हो जाता है, यानी कि हर माह ये लोग रिवाइज कर देते हैं। तो जिस मंथ में आपको एग्ज़ाम देना हो उस मंथ का डेटा आप लोग पढ़ के जाइएगा। फिलहाल मेरा काम है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इन्होंने कहा है कि 8.3% हमारा इस साल रहेगा और उसके बाद में जो अगला वित्तीय वर्ष होगा उसमें हमारी ग्रोथ रेट रहेगी 7.5%। क्रिसिल ने भी ये कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2020 में हमारी जो ग्रोथ रेट होगी वो होगी 9.5%। और आपको पता ही होगा कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 21 था
उसमें हमारी ग्रोथ रेट रही है -7.3%। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस संगठन के द्वारा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ऊपर कर लगाने के लिए समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किया गया? तो ये समझौता किया है अभी G7 समूह के सदस्यों के द्वारा, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अब यहाँ पर मामला होता क्या है, देखिए मामला ये होता है कि जो हमारी बड़ी कंपनियाँ हैं जैसे गूगल हो गया, एप्पल हो गया, अमेजन हो गया, तो ये सारी कंपनियाँ क्या करती हैं कि जिस देश की कंपनियाँ होती हैं वहाँ पर ये कर देती हैं, लेकिन अपने देश के साथ साथ ये बाहर के बहुत सारे देशों में काम करती हैं तो वहाँ से ये अपने कर की चोरी कर लेती हैं। तो अभी G7 के जो भी हमारे 7 देश हैं उनके जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने एक समझौता किया, और इस समझौते में ये कहा गया है कि इन कंपनियों का जो फॉरेन में प्रॉफिट होता है उसके ऊपर भी हम लोग कम से कम लगाएंगे 15% का टैक्स। तो याद रखिएगा 15% का टैक्स लगाने की यहाँ पर योजना है। G7 की बात करते हैं तो 1975 में इसकी स्थापना हुई थी, 7 देश इसमें शामिल हैं, कौन कौन से, UK, जापान, इटली, फ्रांस, कनाडा, US और जर्मनी। कुछ समय के लिए इसमें रसिया भी शामिल हुआ था, लेकिन 2014 में जब इन्होंने क्रीमिया के ऊपर कब्जा कर लिया था तो फिर इनको G7 से निकाल दिया गया, यानी कि उस समय ये G8 हो गया था, तो 2014 में रसिया को निकालने के बाद में ये फिर से आपका बन गया है G7। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में जारी एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21 में कौन सा राज्य रहा है शीर्ष पर? तो देखिए पिछले साल ये रिपोर्ट आई थी तो आपका हरियाणा रहा था शीर्ष पर, लेकिन इस साल इसमें मध्य प्रदेश पहुंच चुका है शीर्ष पर, तो ऑप्शन आपका यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो रिपोर्ट आपके यहां पर सभी राज्यों के आधार पर जारी की गई है, इसमें सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है मध्य प्रदेश का, इनका स्कोर 100 में रहा 64, दूसरे स्थान पर रहा है उड़ीसा, और तीसरे स्थान पर यहां पर आ चुका है कौन, हिमाचल प्रदेश। अच्छा एनीमिया के बारे में आपको याद रखना है कि ये खून की कमी से होने वाला रोग है। हमारे देश में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, बहुत सारी ऐसे बच्चे और बच्चियां हैं जिनमें एनीमिया की समस्या देखी जा सकती है। होता क्या है, तो देखिए जो हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल होता है इसी में आपको इस प्रकार से मिलेगा हीमोग्लोबिन, तो जब आपके खून में रेड ब्लड सेल के साथ साथ हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो वह जो व्यक्ति होता है वो एनीमिया से हो जाता है संक्रमित, तो इसी को कहा जाता है कि ब्लड की कमी से एनीमिया नामक डिसीज होती है। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस संस्थान ने पीरामल फाउंडेशन के साथ में मिलकर के सुरक्षित हम सुरक्षित तुम इस अभियान को शुरू किया है? तो ये शुरू किया है नीति आयोग ने, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। तो आपको याद होगा हम लोगों ने ये पढ़ा था कि नीति आयोग के द्वारा हमारे देश में जो भी 112 बीमार जिले हैं उनके लिए एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी, तो इन्हीं बीमारों जिलों के लिए यहाँ पर सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान को शुरू किया है नीति आयोग ने पीरामल फाउंडेशन के साथ में मिलकर के। अभियान के अंतर्गत इन जिलों में 20 लाख नागरिकों को कोविड होम केयर से सहायता दी जाएगी। तो नीति आयोग की बात करते हैं, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी योजना आयोग के स्थान पर, मुख्यालय आपको मिल जाएगा नई दिल्ली में। अध्यक्ष कौन होते हैं, तो PM नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष इसके कौन हैं, तो राजीव कुमार हैं और अमिताभ कांत हैं इसके CEO। अगला प्रश्न है कि असम की सरकार के द्वारा असम रत्न पुरस्कारों के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष कितने पुरस्कार देने की घोषणा की गई? तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 4 पुरस्कार देने की घोषणा हुई है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो जैसे आपने देखा होगा कि हमारे देश में एक पुरस्कार दिया जाता है भारत रत्न, उसके बाद में आपका होता है पद्म विभूषण, फिर होता है पद्म भूषण, फिर आपका होता है यहाँ पर पद्मश्री। तो ऐसे ही असम की सरकार ने कहा है कि हम भी अपने राज्य में इसी प्रकार से देंगे पुरस्कार। देखिए पहले ये लोग एक पुरस्कार देते थे जिसका नाम था असोम रत्न पुरस्कार, तो ये हर 3 साल पर दिया जाता था, लेकिन अब इन्होंने ये कहा है कि हम लोग हर साल इस प्रकार से पुरस्कार देंगे, और इसके अंतर्गत हर साल हम लोग एक व्यक्ति को देंगे असोम रत्न का पुरस्कार, 3 व्यक्तियों को हम लोग देंगे असोम विभूषण, 2 व्यक्तियों को देंगे असम भूषण और 10 व्यक्तियों को यहाँ पर देंगे असोम श्री। तो बस आपके उसी पुरस्कार की तर्ज पर इसको बना दिया गया है। तो याद रखिएगा असम की सरकार ने इसकी घोषणा की है, जिसके अभी बिल्कुल ताज़ा CM बने हैं, नाम इनका है हेमंत बिस्वा शर्मा। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 लिस्ट में कौन रहा है शीर्ष पर? तो यहाँ पर वही है आपकी मुझे ड्रग दो मुझे ड्रग दो मुझे ड्रग दो, यानी कि रिया चक्रवर्ती रही है शीर्ष पर, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं ये कवर फोटो है उस मैगजीन की जिस पर रिया आपको इस समय दिखाई दे रही होंगी, और ये जो मैगजीन है इन्होंने 50 मोस्ट डिजायरेबल महिलाओं की सूची जारी की, और इन सभी महिलाओं में 40 आपकी ऐसी रही हैं, इन सभी महिलाओं की आयु जो है वह आपकी 40 वर्ष से रही है कम।
तो एडलिन कैस्टेलिनो जो कि इस साल मिस यूनिवर्स की आपकी पार्टिसिपेंट भी रही थी, चौथे स्थान पर रही। दिशा पाटनी इसमें रही आपके तीसरे स्थान पर, और उसके अलावा कियारा आडवाणी इसमें रही हैं चौथे स्थान पर। तो पहले पे रही है यहाँ पर रिया चक्रवर्ती, खूबसूरत बहुत है तो लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है। जून 2021 में प्रकाशित पुस्तक द बेंच के लेखक कौन हैं, तो याद रखिएगा जो आपकी यहाँ पर शाही परिवार की बहू हैं, नाम इनका है मेगन मार्कल, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, करेक्ट। तो पिछले साल आपको याद ही होगा कि जो प्रिंस हैरी हैं इन्होंने अपने पत्नी मेगन मार्कल के साथ में जो शाही परिवार है उसको छोड़ दिया था, तो अभी इनकी जो पत्नी है मेगन मार्कल इनके द्वारा अपने बेटे आर्थी और इनके पति यानी कि प्रिंस हैरी के बीच में जो संबंध है उसके ऊपर एक बाल पुस्तक को यहाँ पर लिखा गया है। तो ये इनकी पहली बाल पुस्तक है, नाम इसका है द बेंच, इंपॉर्टेंट है इसके बारे में भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग कल के प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। पहला प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा बलदेव सिंह हमारे भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। दूसरा प्रश्न था कि भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी, तो पहली महिला कैबिनेट मंत्री की बात करते हैं तो ये हैं राजकुमारी अमृत कौर, और ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर थी। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, तो ये हमारे वही थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, तो ये हमारे पहले कानून और न्याय मंत्री थे। इस समय कौन है, तो इस समय आपके हैं रविशंकर प्रसाद। भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, तो इनका नाम था सन्मुखम शेट्टी, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सन्मुखम शेट्टी, करेक्ट। भारत के पहले रेलवे मंत्री कौन थे, तो ये थे जॉन मथाई। तो इन सभी के नाम आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि कई बार आपके परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। चलिए आज की वीडियो से आपके लिए प्रश्न है कि हमारे देश में कौन सा ऐसा संवैधानिक पद है जिसमें वहाँ पर व्यक्ति का कार्यकाल निश्चित नहीं है, यानी कि कितने समय तक वो अपने पद पर रहेगा। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ पर स्थित है, लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान ने किस दिन भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था, तो ये आपको बताना है। अब्दुल्ला खान नियाजी इनका नाम है, तो किस दिन इन्होंने सरेंडर किया था 1971 के युद्ध में, और भारत ताजिकिस्तान के साथ में कौन सा युद्ध अभ्यास करता है। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। बाकी अनअकैडमी की जो क्लास होती है वो आपके लिए बहुत ही शानदार होती है, तो उस क्लास में आप लोग जरूर आइए। अगर आपको जीके और करंट अफेयर के साथ साथ साइंस वगैरह की तैयारी बहुत ही सिस्टमैटिक वे में करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत, और सबसे जरूरी पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।